जयपुर से अब आपको खबर बता दें, दुशांबे तजाकिस्तान से 183 विद्यार्थी जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सरकार के प्रमुख अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ACS उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने पूरी मॉनिटरिंग यहां की। प्रोटोकॉल ऑफिसर BC गंगवाल वहां पर थे। उपनिदेशक पर्यटन उपेंद्र सिंह शेखावत, DGM रिको तरुण जैन, डॉक्टर SK भंडारे के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम भी मुस्तैद वहां पर रही। 183 विद्यार्थी जयपुर पहुंचे, चिकित्सकों की टीम यहां पर मुस्तैद रही और प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जो एहतियात हैं वो यहां पर बरती गई। एयरपोर्ट पर सरकार के प्रमुख अधिकारी मौजूद इस दौरान रहे। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता DK शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। BK शर्मा फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। BK, देखिए यहां पर जो इंतजाम किए गए, किस प्रकार के इंतजाम रहे, चिकित्सकों की टीम यहां पर किस प्रकार से मुस्तैद रही, क्या क्या एहतियात बरती गई? यहाँ पर ये सरकार का पूरा लवाजमा मौजूद है एयरपोर्ट पर अभी भी जी। और जो भी प्रोटोकॉल और गाइडलाइन राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने तय किए हैं वहाँ से आने वाले लोगों के लिए, उनकी पालना की जा रही है। सबसे पहले इनकी यहाँ पर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है जी। और उनके जितने भी IDs हैं और उनकी लगेज है, उन सबकी पूरा जाँच की जा रही है। और इसके बाद इनको अभी तक जो तय नियम है कि इनको 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा किसी होटल में या गेस्ट हाउस में ऐसी जगह पर, और वो अपने ही खर्चे पर वो इसके इंतजाम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं जी। कि कहाँ कहाँ इनको रखा जाए और उसके बाद उनको उन जगह पर, उन डेस्टिनेशन पर जहाँ पर इनको पहुँचाना है वहाँ भी पहुँचाया जाएगा। और उससे पहले इनकी पूरी जाँच होगी और मेडिकल जो रिपोर्ट है और डॉक्यूमेंट जो ये वहाँ से लेकर आए हैं जी, वो सारे इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होने के बाद इनको पहुंचाया जाएगा। और यहाँ ACS उद्योग यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उनकी जो उनकी मॉनिटरिंग में ये सारा काम हो रहा है और उन्हीं विभिन्न जो विभागों के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है जो उनके पास जो पहले से मेडिकल रिपोर्ट है उनकी उनकी जाँच करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ भी जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी जाँच करेंगे। अगर किसी को कोई किसी तरह का लक्षण इस तरह का कोरोना से संबंधित नजर आता है तो उनका फिर से उनकी जांच होगी, उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही उस और बाकी ग्रुप के साथ उन जो यात्री हैं उनको अलग किया जाएगा। बिल्कुल BK, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें तमाम जो एहतियात हैं वो यहाँ पर बरती जाएंगी। प्रोटोकॉल के अनुसार जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं उन नियमों की पालना यहाँ पर होगी और उसके बाद सभी को क्वारंटाइन सेंटर्स पर भेजा जाएगा।